पाकिस्तान की कौमी असेंबली में 13 नवंबर 2012 को 5 से 16 साल की उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त और लाजमी तालीम का बिल मंजूर किया गया है, जिसके बाद उन वालिदैन को जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे जुर्माना किया जाएगा और प्राइवेट तालीमी इदारों को पाबंद किया गया है कि वो 10% कोटा गरीब बच्चों के लिए मखसूस करेंगे। देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये मुस्बत इकदाम है। नेशनल असेंबली ने आके एक बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट दी है कि एजुकेशन पे फोकस ज़रूरी है। बदकिस्मती ये है कि सिर्फ बिल पास होने से तालीम का ना तो मेयार तब्दील होता है ना ही उसकी सप्लाई बढ़ती है। दूसरी ये बात याद रहे कि 18वीं तरमीम के बाद तालीम जो है वो अब एक सूबाई मसला बन गया है, प्रोविंसेस के पास चला गया है। सो नेशनल असेंबली का बिल पास होने से जब तक सूबे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे अपनी रिसोर्सेज इस्तेमाल करके, तो उससे कोई खातिर खा फ़र्क नज़र नहीं आएगा। पाकिस्तान में जो एलीट स्कूल्स हैं, जो इंग्लिश मीडियम हमारे जो अमीर लोगों के बच्चे जहाँ पे पढ़ते हैं, वहाँ पे तो मगरबी सिस्टम जो है, निज़ाम जो है तालीम का, वो चल रहा है और वहाँ पे वाकई उन बच्चों को चैलेंज किया जाता है और उनको पढ़ाया तकरीबन उसी तरीके से जाता है जिस तरह यहाँ पे अच्छे स्कूलों में पढ़ाया जाता है। और वही बच्चे हैं फिर जो वो फिर पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं या बाहर आते हैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए, उनको फिर अच्छी अच्छी कंपनियों में नौकरियाँ भी मिल जाती हैं, माइक्रोसॉफ्ट में भी नौकरियाँ मिल जाती हैं उनको। हमारे यहाँ जो मसला है वो उन लोगों का है जो कि दरमियानी तबके से या निजी तबके से ताल्लुक़ है, उनके बच्चों का। अगर मैं जाके किसी स्कूल में पढ़ाऊँ और मैं बच्चे को बोलूँ कि ये जो पहली जमात की किताब है उसको तुम रखो साइड में, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ साइंस में क्या है, तो वालिदैन आ जाएंगे कि ये आप क्या पढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम की खराबियाँ हों या उनका हल तलाश करने की ख्वाहिश, आसिफ मेमन हर चीज़ के बारे में वाज़ह सोच रखते हैं। ज़्यादा स्कूल बनाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा या बहुत ज़्यादा पैसा फेंकने से इस मामले में, मेरी नज़र में कम अज़ कम। इस राय से काफ़ी दूसरे लोग इख्तलाफ करते होंगे आई एम श्योर, मगर मेरी नज़र में हमारी सकाफत में एक बात है, तालीम की तरफ एक रुझान है, उसको बदलने की ज़रूरत है। आसिफ मेमन का ताल्लुक कराची से है। हमारी मुलाकात हुई इनसे वाशिंगटन डीसी की जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में, जहां से इन्होंने हाल ही में एजुकेशन में अपना PhD मुकम्मल किया है। यहाँ पहुँचने के बाद, जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी आने के बाद, आपके एक्सपीरियंसेस यहाँ के तालीमी निज़ाम के हवाले से क्या रहे और किस तरह वो मुख्तलिफ हैं पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम से? जब मैं हाई स्कूल कर रहा था, इंटर कर रहा था, तो उस ज़माने में ये होता था कि आप नोट्स जाके फ़ोटोकॉपी करते थे और वो नोट्स फ़ोटोकॉपी करके फिर आप इम्तहान से पहले उनको अच्छी तरह याद करते थे, मगर सिर्फ ये नहीं समझते थे कि उन नोट्स में जो पढ़ाया जा रहा है उसकी उसमें बात क्या है, आप उसको याद करते थे बगैर थे खुद और फिर उस जो याद किया उसको जाके इम्तिहान में लिख कर आते थे। तो यहाँ पे वो तरीका नहीं है, यहाँ पे आप इम्तिहान देते हैं वहाँ पे या तो चॉइस वाले इम्तिहान होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं, या तो फिर आप ऐसे लिखते हैं या मजमू लिखते हैं और फिर उस पर वो आपको जज करता है आपका टीचर के आपने कॉन्सेप्ट को समझा के नहीं समझा। ये मेन फ़र्क मेरी नज़र में है यहाँ के तालीमी निज़ाम में और हमारे तालीमी निज़ाम में, और ये मेरी राय है कि यहाँ का तालीमी निज़ाम इस वजह से बेहतर है। सवाल ये है कि पाकिस्तान की 1.5% की रफ्तार से बढ़ती आबादी में कितने फ़ीसद अफराद को तालीम के उन मवाक़ों तक रसाई है जिनका जिक्र आसिफ मेमन ने किया। USIP के मुईद यूसुफ पाकिस्तान के तमाम तालीमी मसाइल की जड़ मुल्क में तेज़ी से बढ़ती हुई माशी तफरीक को करार देते हैं। यहाँ पे लोग आते हैं, अमेरिका आते हैं, बरतानिया जाते हैं, कहीं और जाते हैं, देर एज गुड एज एनी बडी। आप देखिए आपके डॉक्टर्स यहाँ, इंजीनियर्स यहाँ, पोलिटिकल साइंटिस्ट पढ़ाने वाले, क्या क्या नाम आपके निकले। बदकिस्मती ये है कि हम लोग जिस एजुकेशन सिस्टम से निकलते हैं पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान के 2-3-4% लोगों के लिए मखसूस। आप अगर किसी देहात में हैं, जितने मर्जी ज़हीन हों, अगर आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड ठीक नहीं है, अगर आपके वालदैन की तालीम या ऐसी नहीं है, तो आपको प्राइवेट स्कूल किसी शहर में दाखिल ही नहीं होने देता है। तो हमने तो एक बिल्कुल एपाटाइट क्रिएट कर दी है।
इनका कहना है कि पाकिस्तान के पढ़े लिखे तबके को मुल्क के सरकारी तालीमी ढांचे और मयार की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं रही। मेरा कोई स्टेक नहीं रह गया पाकिस्तान के पब्लिक एजुकेशन सिस्टम में, ना मैंने वहाँ पढ़ना है, ना मेरे बच्चे ने जाना है, मैंने अंग्रेज़ी बोलनी है, बाकियों ने उर्दू बोलनी। तो हमने तो अपनी सोसाइटी के अंदर इतना बड़ा एक ये वेज और फॉल्ट लाइन और ये खला पैदा कर दिया है कि मेरे नज़दीक ना सिर्फ तालीम लेकिन आपकी सोसाइटी में जो इंटॉलरेंस बढ़ रही है, जो पोलराइजेशन हो रही है, जो एक दूसरे को आप बात करने को आप तैयार नहीं है एक दूसरे से, उसकी भी यही वजह है कि आपने अलहदा अलहदा एजुकेशन सिस्टम क्रिएट कर दिए हैं। जिसके पास पहले ही वसाइल हैं वो सबसे अच्छी एजुकेशन ले रहा है, जिसके पास पहले ही कुछ नहीं है वो और बुरी एजुकेशन ले रहा है। तो मसला तेजी से बढ़ती हुई आबादी का है या तालीमी मयार बुलंद करने का? कम आमदनी वाले तबके को अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाने से हल होगा या तालीम के शोबे पर मुल्की बजट का 7, 8 या 9% खर्च करने से? माहरीन कहते हैं कि पाकिस्तान के तालीमी मसाइल का हल इन सारे सवालों के ठीक ठीक जवाबों में है।